तो स्वागत है दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में ऐसे लेक के बारे में बात करें जिस पूरे लेक का आकार दोस्तों एक दिल के जैसा है, जो आप देख सकते हैं दोस्तों पूरा लेक का सीन, जो कि दोस्तों यह लेक आकार में एक भी डिफरेंस नहीं है। पूरा दोस्तों इस लेक को दिल की तरह डिजाइन किया गया, जिसे दोस्तों लव लेक कहा जाता है, जो कि दोस्तों दुनिया का इकलौता लव लेक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आखिर यह यूनिक स्ट्रक्चर की लेक है कहाँ पर, क्योंकि लेक या फिर झील के बारे में तो सुने जो कि आकार में नॉर्मली होते हैं, परंतु पूरे तालाब की आकार एक दिल के जैसा हो, यार हमने आज तक ऐसे आकार के लेक नहीं सुने और ना ही कभी देखे हैं। खैर दोस्तों बात करते हैं कि आखिर यह अनोखे आकार के लेक है कहाँ पर। तो दोस्तों यह दिल के आकार के लेक दोस्तों दुबई में देखने को मिलता है, अल कुदरा नामक रेगिस्तान में, जिसे लव लेक के नाम से जाना जाता है। और इस पूरे लेक का आकार दोस्तों बिल्कुल दिल की तरह डिजाइन किया गया है, जहाँ पर दोस्तों आपस में दो जुड़वा दिल बनाया गया है, जिसको दोस्तों एक खाली रेगिस्तान में बनाया गया है, जिसके चारों तरफ दोस्तों पेड़ पौधे लगाए गए। लेकिन दोस्तों खास बात यह है कि इस लेक को सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता है सही तरीके से, कि एक्चुअल में दो दिल आपस में जुड़े हुए हैं और पूरे दिल के आकार दिखाई देता है आसमान से, क्योंकि दोस्तों यह लेक बहुत बड़े जगह में, क्योंकि दोस्तों इस पूरे लेक को 5.5 लाख स्क्वायर मीटर में बनाया गया, जिसके अंदर दोस्तों जाने से सिर्फ पार्क की तरह महसूस होगा, क्योंकि दोस्तों इस पूरे लेक को घूमने के लिए रास्ते से जाना होता है। लेकिन दोस्तों इसका सही मजा आसमान से देखने पर आता है हवाई जहाज से। और यह लेक दोस्तों इतना बड़ा है कि इसे गूगल अर्थ में भी देखा जा सकता है। और अब आते हैं कि इस लेक को ऐसा दिल के आकार का क्यों बनाया गया, और वो भी एक रेगिस्तान में रेतों के बीच, क्या कारण है। तो दोस्तों यह जो लेक है वह दोस्तों केवल लव पर ही आधारित है, जिसका मतलब दोस्तों आपस में दो दिलों का जोड़ना होता है। तो कुछ ऐसे ही दोस्तों इस लेक को भी डिजाइन किया गया दो दिल के आकार के, जिसे दोस्तों साल 2018 में खोला गया था लोगों के लिए। सो दोस्तों क्या आप भी इस लव लेक को देखना चाहोगे, कॉमेंट में जरूर बताना। और फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और एक ऐसी नई अनोखी वीडियो में। धन्यवाद।